नमस्कार, घमासान न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट इंदौर के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश जी जाट विशेष रूप से उपस्थित हैं। मुकेश जी, आपने जो आपका स्टार्टअप स्टार्ट किया था एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट तकरीबन 14 साल पहले जी, आप स्वयं एक कृषि स्नातक हैं, और आपको कैसे प्रेरणा मिली और आपने क्यों कोचिंग के क्षेत्र में आप आए और इसको स्टार्ट किया? ठीक सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट में आने का जो मकसद है वो ये है कि मेरे मन में विचार आया कि यदि हम लोग किसी और फील्ड में जाते हैं तो चाहे गवर्नमेंट फील्ड में जाएं, चाहे प्राइवेट फील्ड में जाएं, हम कम लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। लेकिन यदि हम शिक्षा के फील्ड में जाएं तो हम आने वाले समय में हजारों लाखों विद्यार्थियों का भविष्य बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कोचिंग या शिक्षा का जो क्षेत्र है वो एक सेवा का क्षेत्र जैसा लगता है। हम इस फील्ड के अंदर आकर लोगों की सेवा कर सकते हैं जी। हम कमजोर विद्यार्थी जो आर्थिक कमजोरियों के कारण महंगी शिक्षाएं ग्रहण नहीं कर सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा था कि आज शिक्षा इतनी महंगी हो रही है कि एक योग्य छात्र है लेकिन उसकी आर्थिक अवस्था ऐसी है नहीं कि वो अपनी योग्यता होने के बावजूद भी शिक्षा प्राप्त कर सके, वो भी कहीं ना कहीं एक मन में तकलीफ थी कि हम इस फील्ड में जाएं और बच्चों की भविष्य के बीच में जो एक आर्थिक समस्या जो बाधा बन रही है उस बाधा को दूर करें। ये मेरा प्रमुख उद्देश्य था कि शिक्षा जो कि व्यवसायीकरण की तरफ जा रही है उसको सेवा के रूप में ले जाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों का मार्ग प्रशस्त करना जी। तो आपने जो ये पीएटी और सीपीएटी की जो कोचिंग स्टार्ट करी थी जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश एवं इंडिया के जो विभिन्न कृषि महाविद्यालय हैं उनमें एडमिशन होते हैं, तो इसमें जो बीएससी एग्रीकल्चर का जो कोर्स होता है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और भी जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेजेस में जो कोर्सेस होते हैं उनका कोई स्कोप है क्या? क्या आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले तो मैं भी आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा भी जो स्कूलिंग है वो मैथ साइंस से हुआ है जी। मेरा भी जो 11th और 12th है वो एग्रीकल्चर से नहीं था, मेरा 11th और 12th भी मैथमेटिक्स से है जी। और मैंने इस एग्रीकल्चर फील्ड को जब तक ठीक से नहीं जाना था तब तक एग्रीकल्चर शब्द सुन के ऐसा कहीं ना कहीं दिमाग में आता था कि एग्रीकल्चर मतलब गांव, एग्रीकल्चर मतलब गाय, एग्रीकल्चर मतलब भैंस, मतलब एक ग्रामीण परिदृश्य। मतलब एग्रीकल्चर सुन के कहीं ऐसा नहीं लगता था कि ये भी इतना बेहतरीन फील्ड हो सकता है कि हम इसमें जाके अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। हमने स्कोप की बात की तो यदि हम भविष्य में किसी भी विषय में किसी भी फील्ड में स्कोप की बात करें तो चार प्रमुख रास्ते होते हैं फ्यूचर के लिए। एक इंसान या तो गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, या एक इंसान प्राइवेट जॉब करना चाहता है, या एक इंसान अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, या कोई अन्य बैंकिंग या अन्य फील्ड में जाना चाहता है। एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपके पास चारों ही रास्तों में सुनहरा भविष्य है। यदि गवर्नमेंट फील्ड की बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के पास में उतनी सीट्स और उतना स्कोप नहीं है जितना एग्रीकल्चर के पास है। हम इंडियन कल्चर के अंदर रहते हैं और हमारी जो अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर आधारित है, इसीलिए गांव से लेके गांव मतलब ग्राम सेवक जिसको हम लोग आरएईओ रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर बोलते हैं या रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर बोलते हैं जो कि एग्रीकल्चर की हम शुरुआती पोस्ट बोलते हैं, वहां से लेके फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ऐसी अनेक अनेक पोस्ट है जिस पोस्ट में सिर्फ और सिर्फ वही छात्र जा सकता है जिसने बीएससी एग्रीकल्चर किया हो या जिसने एमएससी एग्रीकल्चर किया। ये बात बच्चों को पता भी नहीं। हम लोग प्राइवेट फील्ड की बात करें तो आप और हम जानते हैं कि आज मध्य प्रदेश के अंदर फर्टिलाइजर के फील्ड में काम करने वाली, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के फील्ड में काम करने वाली, सीड मतलब बीज इंडस्ट्री के लिए काम करने वाली,
हजारों कंपनियां हैं, इन कंपनियों में बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर छात्रों की ही जरूरत लगती है। हमारी जानकारी में है कि कईयों हमारे जूनियर भाई, कईयों हमारे छात्र जिन्होंने इन कंपनियों में काम भी किया, अपना अनुभव भी कमाया और आज उनका स्वयं का इंडस्ट्री है, आज उनकी स्वयं की कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, करोड़ों का टर्नओवर है, इंटरप्रेन्योर बन गए। मतलब हम प्राइवेट फील्ड में भी काम कर सकते हैं और हमारा अपना स्वयं का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम एग्रीकल्चर में काम करते हैं तो एक सेवा का भाव तो वहां पे आता है। आज हर कोई इस उम्मीद के साथ किसानों की तरफ देख रहा है कि हम लोग इस तरह से एग्रीकल्चर की फार्मिंग करें कि ये जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के नुकसान जो हमारे शरीर पे आज दिखने लगे हैं, आज लोगों को ये समझ में आने लगी है कि यदि हमको जीवन में स्वस्थ रहना है तो हमको डॉक्टरों से भी ज्यादा बेहतर एग्रीकल्चरिस्ट की जरूरत है। ऑर्गेनिक यदि हमारे एग्रीकल्चरिस्ट जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाएंगे, मिनिमम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में बीमारियां ही नहीं आएंगी। जब बीमारियां ही नहीं आएंगी तो मुझे नहीं लगता कि फिर हमको किसी प्रकार के डॉक्टर से उपचार की जरूरत लगेगी। मतलब इस चीज को समझने की जरूरत है कि आपको मेडिकल से भी ज्यादा तवज्जो किसकी देनी होगी, एग्रीकल्चर की, ये इसका फ्यूचर है। आपका जो कोचिंग संस्थान है एमजी कोचिंग, इसके बारे में हमेशा से ये सुनने में आया है कि आपने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टॉपर भी दिए और सर्वाधिक सिलेक्शन भी आपने दिए। कृषि जो स्नातक जितने भी शासकीय कॉलेजों में जा रहे हैं, संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा आपने दिए हर साल। बिल्कुल, इसके पीछे क्या राज है सर? अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं जी। हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट पिछले 14 वर्षों से काम कर रहा है। 2004-05 में हमने इसकी शुरुआत की। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है कि हमारी जो सबसे सीनियर फैकल्टी है, सबसे जो टॉप लेवल की फैकल्टी है, वह भी हर बच्चे को पढ़ाती है। चाहे बच्चा कमजोर से कमजोर हो, चाहे बच्चा इंटेलिजेंट हो, हम बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करते। हमारी कभी ये मंशा नहीं होती है कि हमको फर्स्ट रैंक मिले, हमारी कभी ये मंशा नहीं होती है कि हमको टॉप 10 में जगह मिले। हमारा एकमात्र ध्येय है हमको ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन करना है। इसी कारण से आज एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर पूरे एमपी में लगभग 1000 सीट है और उस 1000 में से 400 प्लस बच्चे हमारी एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं। बाकी बचे हुए 600 में पूरे मध्य प्रदेश की संस्थाएं आती है। यह सिलेक्शन का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरी चीज यह है कि हम लोगों के यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है, हमने कॉन्सेप्ट दिया कि भाई हम लोग अपने साथ उन्हीं लोगों को जोड़ेंगे जो शिक्षा को व्यवसायिक दृष्टिकोण से नहीं देखते। हम लोगों ने ग्रुप ही कैसा तैयार किया, हमारे यहाँ ग्रुप में आप जिन भी लोगों से मिलोगे आपको उनके प्रति सेवा का भाव मिल जाएगा। हमारी टीम का हर सदस्य सुबह 6:30 बजे आपको ऑफिस आता हुआ नजर आएगा और शाम को 7 बजे ऑफिस जाएगा। हम लोग सुबह से आते हैं, बच्चों को बेसिक लेवल से लेकर टॉप लेवल तक पढ़ाते हैं, फिर भी यदि उनके कोई डाउट रह जाते हैं तो हम उसको अलग से बुला के क्लास में बिठा के वहां उसके डाउट सॉल्व करते हैं। और जब कोई संस्था इतना समर्पण और मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करे तो सिलेक्शन कितने होंगे इसकी तो बात ही खत्म। जी जी बिल्कुल अभी हाल ही में आपने अपने कोचिंग संस्थान का विस्तार भी किया है, जैसा कि आपने बताया कि आप नीट और जेईई इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस के क्षेत्र में भी आपने पदार्पण किया है रिसेंटली जी। इसके पीछे कोई विशेष कारण? हाँ सर बिल्कुल सर, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यह भी जानकारी कम लोगों को होती है जी, कि जब कोई ये कहता है कि एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट पिछले 14 वर्षों से एग्रीकल्चर के फील्ड में काम कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं अधूरी जानकारी के संग होता है। एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग 6 विषयों का अध्ययन करते हैं। जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता है, चाहे वो स्टेट लेवल पर पीएटी हो, चाहे वो ऑल इंडिया लेवल पर सीपीएटी, जिसको हम आईसीआर भी बोलते हैं, AIEEE भी बोलते हैं,
इन एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए हमको एग्रीकल्चर के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो को भी पढ़ना पड़ता है और पढ़ाना पड़ता है। इसका यह मतलब है कि हम पिछले 14 वर्षों से इन 6 विषयों के लीडर हैं। उसमें फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, मैथ भी आता है, बायो भी आता है, एग्रीकल्चर भी आता है और वेटरनरी भी आता है। तो आप डेवन से भी कर सकते थे उसको। हम डेवन से भी उस काम को कर सकते थे, लेकिन हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि पहले हम जिस भी काम को हाथ में लेते हैं, जब तक हम उसको शिखर पे ना पहुंचा दे, हम दूसरा काम फिर हमारे हाथ में लेते हैं। तो हमने इन विषयों को डिटेल में ले जाके पीएटी और सीपीएटी के उद्देश्य से किस किस तरह से उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस तरह से बच्चों का मैक्सिमम सिलेक्शन कराया जा सकता है, हमने उसके ऊपर किया। लेकिन इसी दौरान जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें मैथमेटिक्स वाले बच्चे भी आते थे हमारे पास, बायो वाले भी आते थे, तो उन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चों ने जब क्लास में हमारी बातचीत हुई, उन्होंने ये इच्छा जताई कि सर हम लोग नीट में जाना चाहते थे या हम लोग जेई में जाना चाहते थे। हमने उनसे पूछा कि भाई यदि आप जाना चाहते थे तो फिर आप यहाँ आईसीएआर या पीएटी के अंदर क्यों है। उनका सीधा जवाब था कि सर वो एग्जाम्स बड़ी कठिन होती है, उसमें सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है और हमारे पास इतनी फीस भी नहीं है कि हम उतनी बड़ी बड़ी फीस को पे कर सके। वो चीज दिल में लगी कि ये जो गलतफहमी फैलाई जा रही है कि ये एग्जाम्स कठिन है या इन एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए आपको बड़ी फीस ही लेना जरूरी है, वो दो चीजों को लेकर हम लोगों ने 2017-18 के अंदर जिन बच्चों ने एग्रीकल्चर कोर्स के लिए एडमिशन लिया था, उसी में से हमने लगभग 11-12 बच्चे जिनकी इच्छा थी कि हम नीट या जेई करें, उन्हीं को हमने बोला कि भाई ठीक है, हम आपसे मेडिकल वाली फीस नहीं लेते हैं, हम आपसे आईआईटी वाली फीस नहीं लेते, हम आपको इसी फीस में तैयारी करा देते हैं, एग्रीकल्चर की फीस। एग्रीकल्चर की फीस जी, तो उससे हमने उन्हीं उसी फीस में लेके और 2017-18 में उन बच्चों की तैयारी कराई। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा एक बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज जो कि सागर में है आपका बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, वहां से एमबीबीएस कर रहा है। शुभकामना के पात्र हैं आप जी। जबकि 10 से 11 12 बच्चों में और वो कमजोर बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो नीट और जेईई का कभी सोच भी नहीं सकते, वहां से 10-11 बच्चों को लेके और आप गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस तक अपने बच्चे को पहुंचाए, ये अपने आप में बड़ी बात। साथ में हमारे एक बच्चे ने एनआईटी जो कि भोपाल में है, मौलाना मेनी टपन उसको बोलते हैं, जी वहां भी हमारा बच्चा गया। इट मीन्स हमने जेई में भी बेहतर परिणाम दिया और नीट में भी बेहतर परिणाम दिया। वहीं से भी पिछले बार हमारे पास जो है बच्चों की डिमांड बहुत तेज आने लगी कि सर अब हमको हमारा फ्यूचर सुरक्षित नजर आता है, अब हम नीट और जेई में भी जो है आसानी से चयनित हो सकते हैं, क्योंकि एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसा इंस्टीट्यूट इसमें आ चुका है जो इस बात को मानता है कि यदि टीचर अच्छे से मेहनत कराए, बच्चा अच्छे से मेहनत करे, तो दुनिया की कोई भी एग्जाम कठिन नहीं होती। यदि बच्चा असफल है तो उसके दो में से कोई एक कारण है, या तो बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है या जो टीचर है वो मेहनत नहीं कर रहा है। लेकिन ना तो हमारी संस्था में टीचर ऐसे हैं जो मेहनत नहीं करते, ना हमारे बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत नहीं करते। हमारे बच्चे भी अच्छी मेहनत करते हैं, हम भी अच्छी मेहनत करते हैं, और आप मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ समय बाद जब हम मिलेंगे तो आप कहेंगे कि सर नीट में भी आपके बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जेई में भी आपके बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि हम अपनी ताकत जानते हैं। अभी देखते ही देखते जो अपन ने कृषि शिक्षा का जो व्यवसायीकरण जो हो चुका है अभी 5-10 सालों के भीतर, अभी इंदौर में काफी प्राइवेट कॉलेजेस बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स रन कर रहे हैं जिसकी मुखालपत भी हुई है। हाँ। जो मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं वो इसकी मुखालपत कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इससे कृषि शिक्षा का नुकसान होगा जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? सर ये तो बहुत दुख की बात है जी। ये किसी भी तरीके से हमको फायदा दे ही नहीं सकता, ये टोटल नुकसान का विषय है। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हम कृषि क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं,
एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हम किसानों को कर्ज मुक्त करना चाहते हैं, एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हम किसानों की आय का को दुगना करना चाहते हैं, फिर हम उसकी गहराई में जाके विचार भी नहीं करते हैं कि ये होगा कैसे। हम सभी लोग जानते हैं कि हम यदि किसी को कुआं खोदना सिखा दें, यदि वो बंदा कुआं खोदना जान जाए तो निश्चित रूप से कुआं खोदने में मेहनत लगेगी, लेकिन कुआं खोदने के बाद जो उसको अंदर पानी मिलेगा वो स्थायी मिलेगा, और उसी स्थायी पानी के दम पे हम पूरे साल अपनी प्यास बुझा सकते हैं। ये जो चीजें हो रही है ये अलग से एक बाल्टी पानी देने जैसा या अलग से एक लोटा पानी देने जैसा है। एक तरफ तो हम एग्रीकल्चर को अंदर से कमजोर करे जा रहे हैं, जब एग्रीकल्चर के छात्र जिनको सिर्फ उनके पास डिग्री तो होगी लेकिन उनके पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा, ये छात्र जब आगे जाएंगे तो ये किस तरह की वैरायटीज डेवलप करेंगे, ये किस तरह से इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डेवलप करेंगे, ये जो प्रोडक्ट है किसानों को कितना नुकसान पहुंचाएगा कितना फायदा पहुंचाएगा, ये लगभग हम सभी लोगों को मालूम है। हम सब जानते हैं कि अल्टीमेटली आज नहीं तो कल नहीं तो परसों गवर्नमेंट को भी बात समझ में आएगी, लेकिन दुख की बात यह तब तक हम बहुत लेट हो चुके होंगे। इसीलिए मेरा तो विशेष निवेदन है कि यदि हम प्राइवेट फील्ड में एग्रीकल्चर कॉलेज शुरू भी करना चाहते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक पैरामीटर होना चाहिए। जैसे मेडिकल फील्ड में आपको आप फॉरेन एजुकेशन के कंसल्टेंट भी है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप जानते हैं कि यदि कोई MBBS हमारे देश से बाहर से करके आता है तो उसको एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना होता है, यदि वो उस स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करे तो वो MBBS होने के बावजूद भी वो हमारे देश के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो आप तो मेडिकल के लिए एक उस तरह की बात करते हैं और एग्रीकल्चर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आपके पास एक बोर्ड है ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आप उसको जिम्मेदारी दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि भैया आप इन लोगों को चेक कीजिए इनके पास प्रैक्टिकल के लिए जितनी एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए है या नहीं है, ये जिन लोगों से बच्चों को टीचिंग करवा रहे हैं पढ़वा रहे हैं वो वेल क्वालिफाइड है या नहीं है, ये नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि हम उसकी क्वालिटी पे ध्यान देंगे तो हम उस नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं बिल्कुल नजर आ नहीं रहा है, इसका बड़ा दुख है। तो ये थे मुकेश जी जाट, जो कि NG कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक स्टार्टअप जो स्टार्ट हुआ था इंदौर में 2004 में, उसके डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए कि कैसे इन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट करी और मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए इन्होंने उसकी भी प्रवेश परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर दी। आपने बताया कि जिस स्पीड से कृषि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है प्राइवेट कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में, जो BSc एग्रीकल्चर के कोर्सेज रन हो रहे हैं, उससे किस तरह अनस्किल्ड फोर्सेस मार्केट में आएगी और उससे कितना नुकसान होगा एग्रीकल्चर का, आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया हमारे ऑडियंस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने घमासान.com को अपना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.